आइए खबरों का आगाज करते हैं, विस्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं हरदोई की, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया है। घर के बाहर सो रहे परिवार पर बालू से भरा हुआ ट्रक पलट गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक ही परिवार के 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि एक बच्ची घायल हुई है। जेसीबी की मदद से सभी शवों को बाहर निकाला गया है। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती रही। दुखद हादसा, एक ही परिवार के 8 लोगों की इस घटना में मौत हो गई है। आशीष मिश्रा हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। आशीष, ये पूरी खबर विस्तार से बताइए। बड़ा दुखद और बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक ही परिवार के साथ सो रहे 8 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें, पूरा मामला हरदोई के मल्लावा थाना क्षेत्र के कटला बिल्हौर मार्ग पर 2 नंबर चौक डुंगी का है, जहां पर एक बालू से लदा हुआ ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे सो रहे एक ही परिवार के 9 लोगों पर पलट गया, जिसमें दबने से 8 लोगों, एक ही परिवार के चाचा, ताऊ और भतीजा समेत 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जिसमें एक भतीजी घायल हुई है, जिसको अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है। फिलहाल मौके पर भारी भीड़ मौजूद हो गई, लेकिन भीड़ ने बहुत प्रयास किए लेकिन बालू को नहीं हटा पाई। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, जिसके पास जेसीबी और हाइड्रा की मदद से रेस्क्यू किया जाता है। पहले ट्रक को हटाया जाता है, फिर बालू को हटाया जाता है, धीरे धीरे करके एक एक सब बाहर निकलना शुरू होता है, जिसके बाद भारी भीड़ मौके पर मौजूद है, भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है, कोहराम मच गया, जिसमें जो आला अधिकारी है वो भी मौके पर पहुंच गए हैं। फिलहाल स्थानीय पुलिस मौके पर है और जेसीबी हाइड्रा की मदद से अभी भी रेस्क्यू कार्य चल रहा है, जिसमें एक मासूम बच्ची घायल हुई है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। ओके, आशीष मिश्रा, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए इस खबर पर अपनी। अगली खबर नोएडा से है, जहां पर पेट्रोल पंप के कार्यालय में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया है और आग की भयावह तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। थाना सेक्टर 39 क्षेत्र में यह घटना घटी है, जहां पेट्रोल पंप के ऑफिस में भीषण आग लगी है।